गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू टी एस एन द स्कूल. माई सेल्फ स्वाति महावर, आई टीच एस एस टी सब्जेक्ट. टुडे वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9. वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. इन द प्रीवियस वीडियोज वी रीड द चैप्टर टिल आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. वी कंप्लीट दिस टॉपिक टिल पेज नंबर 34. Now we start with page number 35, the new topic. The name of the topic is broader meaning of democracy. Ki broader sense ke andar democracy kya hota hai. In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. Limited or descriptive dono tarike se humne democracy ko padha hai. We have understood democracy as a form of government. Humne kya mana ki democracy kya hoti hai, ek tarah ki government hoti hai. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimum features that a democracy must have. अब जो भी democracy के अंदर minimum features होते हैं वो सारे features हमने पढ़े हैं. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. Main जो चीज़ होती है democracy के अंदर वो क्या होती है, democratic government क्या होती है, representative democracy होती है. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. Democracy के अंदर सभी लोग rule नहीं करते हैं. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. सभी लोगों में से एक majority बना दी जाती है, एक group of people बना दिया जाता है जो सभी लोगों की तरफ से decisions लेते हैं. Even the majority does not rule directly. अब ये जो majority होती है, जो group of people बनाया जाता है, वो भी directly rule नहीं करता है. The majority of the rule through their elected representative. अब जो ये majority होगी, जो group of persons होंगे, तो उनके जो rules और regulations बनाएंगे वो कौन बनाएगा, जो representative वो बनाते हैं, जिस leader को वो elect करते हैं वही leader उनके rules और regulations बनाता है. Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. मॉडर्न डेमोक्रेसी, आजकल की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ऐसा होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को एक साथ बैठ के वहाँ पर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता है. इवन इफ दे कोड द डिसीजंस, द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस. अब क्योंकि लोगों के खुद के काम इतने होते हैं, वो खुद का अपना इन्वॉल्वमेंट होता है उनका बिजनेस का और जॉब का, तो इस वजह से वो लोग नेशन के जितने भी डिसीजन जो लिए जाते हैं, लीडर्स जो डिसीजन लेते हैं उसके अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फॉर नॉन डेमोक्रेसी. अब ये सारी जो चीज़ें हैं कि मेजोरिटी बना दी गई, मेजोरिटी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाती है और मेजोरिटी एडमिट करती है कि यही रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, और ये जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा जिस तरीके से हमारे ऊपर रूल करेगा हमें स्वीकार होगा, हम उसको एडमिट करेंगे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इससे हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है. बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हो गई, लेकिन मेजोरिटी बना देने से, मेजोरिटी के द्वारा एक इलेक्टेड पर्सन बना देने से, उसके हाथों में पावर्स दे देने से ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन के ही हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा. नाउ कम टू पेज नंबर 36. इट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. अब जो डेमोक्रेसी के ऑपरेशन होते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा काम किए जाते हैं. For this we need to turn to broader meaning of democracy. Sometimes we use democracy for organizations other than the government. Democracy के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एसोसिएशन बना दिए जाते हैं. Just read these statement. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स. जैसे फैमिली की बात होती है कि फैमिली के सब लोग बैठ करके वहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कोई भी उनको डिसीजन लेना होता है तो, और वो बच्चा बता रहा है कि मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो मेरे फादर से मिलते जुलते ही हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, वो मेरे फादर के जैसे ही हैं. आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट. यानी कि एक बच्चा कह रहा है कि मुझे इस तरह के टीचर पसंद नहीं है जो क्लास में बच्चों को बोलने की परमिशन ना दें. अगर बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसको अलाउ किया जाए कि वो उस क्वेश्चन को पुट अप कर सके.
One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? अब अगर एक जो लीडर है घर का वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेता है, अपनी फैमिली के डिसीजन लेता है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी? नो. दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन. अब यही तरीके हैं, यही लाइंस हैं जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है और क्या नहीं होता है. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन. अंडरलाइन दिस. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, वो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजन जो लिए जाते हैं लोगों के लिए जाते हैं, फॉर ऑल द पीपल, तो वो लोगों के कंसल्टेशन से और उनके कंसेंट से ही लिए जाएंगे, क्योंकि वो लोग उनसे क्या हो रहे हैं, उन डिसीजन से अफेक्टेड हो रहे हैं. दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल. जो लोग पावरफुल नहीं होते हैं वो भी डिसीजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो लोग पावरफुल हैं वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और द फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ. डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारी लाइफ के किसी भी स्फीयर के अंदर अप्लाई किया जा सकता है. हमारी फैमिली, हमारे स्कूल, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, सभी जगह पर अप्लाई किया जा सकता है. समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वैन नो वन गोज हंगरी टू बैड. ट्रू डेमोक्रेसी कब होती है, जब कोई भी भूखा ना सोए देश के अंदर. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल. अब सबको अगर इक्वल रोल मिलेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो वो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटिक, और वो कंट्री क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन. सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक एडुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, और जो कमिटमेंट्स वो दे सकते हैं, कमिटमेंट वो कर सकते हैं, वो सारा उनको परमिशन होना चाहिए. नाउ इफ़ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी. अगर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो अगर ये सारी चीज़ें कोई भी कंट्री अगर एडमिट नहीं करता, किसी कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. यर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी. अब हमें अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्यों हम वैल्यूबल मानते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को. इट एनेबल्स अस टू जज एन एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस. ठीक है, ये हमें अनेबल करता है कि हम क्या कर सके, जज कर सके कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है और उसके क्या वीकनेस है, ये हम पॉइंट आउट कर सके और उसको उस पर हम क्या कर सके, अपोज़ कर सके. हम अपोज़ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है तो. बिटवीन अ मिनिमम डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी इन दिस बुक वी डोंट नीड डील मच विद दिस एक्सपांडेड नेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अ फोकस हेयर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग अ डेमोक्रेसी. ठीक है, नेक्स्ट ईयर 10th क्लास के अंदर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फीचर्स पढ़ेंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी को इवेल्युएट किया जाता है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे. एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट द डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म. ठीक है, हमारी लाइफ के हर स्फीयर के अंदर डेमोक्रेसी अप्लाई किया जा सकता है, और जो डेमोक्रेसी है वो बहुत तरीके से हमारे लाइफ के अंदर इम्प्लाइड हो सकता है. बहुत सारे तरीके हैं डेमोक्रेसी के. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर क्या होता है, कंसल्टेशन होता है जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं उनमें. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है वो कैसे चल रही है, कि रूल बनाए जाते हैं, जो रूल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो लोग जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा किया जाता है. वी शैल मोर अबाउट दैट इन चैप्टर नंबर 4, बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन. अगर कम्युनिटी छोटी है तो दूसरे तरीके से हम पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं उनके बारे में. ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली. दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज. जिस तरीके से ग्राम सभा के अंदर क्या होता है, जो सभा के मेंबर्स होते हैं वो लोग बैठकर डिसाइड कर लेते हैं गाँव के अंदर कोई भी इशू होता है तो. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग. Now this chapter is completed. Clear to you? One page is remaining, that is page number 37.
दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. हम ये नहीं कह सकते. अब जैसे हमारा इंडिया है, तो क्या हम इंडिया के लिए कह सकते हैं कि इंडिया परफेक्टली डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं. बहुत सारे डीमेरिट्स हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. किन मिनिमम कंडीशंस पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है, कैसे वो काम करती है, बस यही हम ये सारी चीज़ें ही हमने यहाँ पर डिस्कस की है. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. जो भी डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का जो रूल होता है वो सभी डेमोक्रेसी को मानना चाहिए. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. ठीक है, अगर ये सारे जो फीचर्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, अगर वो जो रिप्रेजेंटेटिव मानता है, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और वो जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर क्या हो जाती है, लोगों की यूनिटी हो जाती है. वॉट वी डू एज सिटीजन कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग अ कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. अब सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने कंट्री को क्या बनाएं, ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाएं या ना बनाएं. दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू. ठीक है, अब जो गवर्नमेंट हमारे सामने आ रही है वो किसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना रही है, हमारे लिए. तो उसको ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे हमको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो किसके लिए, किसके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, फॉर द पीपल ओनली. This is what distinguishes democracy from other government. Other form of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. अब जो democratic government के अंदर working होती है वो working monarchy और dictatorship के अंदर नहीं होती है. In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics. But democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. ठीक है, डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है लोगों के हाथ में वो किसके अंदर आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही आता है. बाकी कहीं पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते सिटीजन, उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस क्या कर दिए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं. दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड. नाउ क्लियर टू यू?